एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीजू देख रहे हैं मुझे। व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। अभी मैं जस्ट घर से निकली हूँ। मैं घर आई थी अपनी कजन ब्रदर की मैरिज के लिए, बट क्योंकि हमारे नियर बाय यहाँ कुपुवी में शांत है, तो जिसको जगराता जातर भी कहते हैं, तो हमने सोचा पहले उसके लिए भी जाया जाए क्योंकि शादी शाम को है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कुपुवी जा रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद, मतलब किसी फंक्शन में, और मैं वहाँ पे फिफ्थ तक पढ़ी थी, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और हाथ में मैंने रोटी लिया क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है, इसमें सब्जी डाली अंदर। और बट जाकर के लिए आप मुंह धो के जाते हो, मतलब कुरला करके, एंड हाथ आपके अच्छे से धुले होने चाहिए, जो कि मैं रास्ते में करूँगी। अभी मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने सोचा पहले कर लेते हैं। और हम वी आर ऑलरेडी लेट, वेरी लेट एक्चुअली। यहाँ से एक घंटा तो हमको लग ही जाएगा, तो हमको वो कुरेन आते हुए देखनी है, बहुत कुछ होता है। व्लॉग में बहुत कुछ देखोगे आगे। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सोचा घर से चलते ही मैं व्लॉग की शुरुआत करूँगी क्योंकि घर पे तो बहुत हौश पौश था। तो यस, स्टे ट्यून्ड। इलेक्ट्रॉनिक वो देखो डैडी, वाह हाँ चले गए। तो अभी जीजू भर रहे गाड़ी में हवा क्योंकि उसमें थोड़ी सी टायर की हवा कम है, और मैं वेट कर रही हूँ कि आई कांट वेट टू गो टू कुपुवी बिकॉज मेरा वहाँ पे बचपन बीता है, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ, एंड आई लव दैट प्लेस। आई हैव अ स्पेशल यू नो स्पेस इन माई हार्ट फॉर कुपुवी स्पेशली, क्योंकि कुपुवी में इज़ लाइक आई एम वेरी, आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक एवरी टाइम। मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसे यू नो, क्योंकि विशु होता था जिसको मेला कहते हैं, तो मैंने लास्ट ना वो 2005 में अटेंड किया था, और उसके बाद मैं गई नहीं। हर बार मेरा मन करता था कि मैं जाऊँ, बट मैं गई नहीं, जा नहीं पाई या बोलेगी। बट अभी तो शांत है माता जी की, तो इट्स लाइक वाओ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ना ज़्यादा शादी के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी, बट यस मैं शांत के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या अभी तो खैर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो बारात है ना वो कहाँ जा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल नियर बाय है, यहाँ से हानों कहते हैं, तो वहाँ जा रही है, सिर्फ एक घंटे का रास्ता। एक घंटे अभी नहीं बोलेंगे, बट जैसे यू नो उतर उतर के खा पी के जाएगी सब लोग, तो एक घंटा लग जाएगा, बट वो बहुत बिल्कुल पास थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं शांत के लिए जाया जाए, माता जी की शांत है और काफ़ी सारे पुराने लोग और ताज़ी यादा करी जाए। हाँ नीचे है शादी और ये रोड जाता है यहाँ से बिल्कुल हानों कहते हैं को, और ये है सबसे बड़े वाली दी, क्योंकि मैं ये और जीजू जा रहे हैं। कितने एक्साइटेड हो आप कुपुवी की शांत के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से मेरी पुरानी यादें जुड़ी है। दी का तो प्लस टू हुआ है वहाँ से, तो शी मस्ट बी वेरी यू नो क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल, ऐसे आपको हो रहा है फील एक्साइटेड पुराने लोगों से मिलने के लिए। अभी वहाँ को पुराने चेहरे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि, और पुराने चेहरे एक्चुअली बड़े हो चुके होंगे, क्यों दी है ना, मैं तो किसी को पहचानती भी नहीं हूँ। तो बट हम लोग बहुत एक्साइटेड है। तो पहचानती हूं, पर जो आपके क्लासमेट्स भी तो होंगे वहां पे, मेरे भी होंगे अगर मुझे कोई मिला तो, या मैं किसी को पहचान पाई, क्योंकि अब सब के यू नो फीचर्स चेंज हो जाते हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। जहाँ मैं पढ़ी थी, ये मतलब बहुत ही सुंदर जगह है कुपुवी, यहाँ से दिख रहा है जो आपको। पहुंच चुके हैं धार, और यहाँ से अभी मतलब लाइन शुरू हो चुकी है गाड़ियों की, तो हमको थोड़ी पीछे पार्क करनी पड़ेगी, बहुत भीड़ है रोड पे, इतने सारे लोग हैं कि क्या बताऊं। अभी मैं सीधा एकदम से पहुंच के ना रिकॉर्ड कर दूंगी क्योंकि मैं बोल तो सकती नहीं ऑफकोर्स, क्योंकि आवाज नहीं आएगी आप लोगों को, तो आप एंजॉय करना व्लॉग को। ये ना नीचे लगा है खाने के लिए, आप देख सकते हो कितना बड़ा पंडाल टाइप लगा है यहाँ पे, और ये जो लकड़ियाँ देख रहे हो ना आप, हम इसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं और प्लेट्स भी इसके ऊपर ही रखते हैं, और काफी ब्यूटीफुल है यहाँ पे। आप लोकेशन भी देख सकते हो कहाँ खाना बन रहा है, ग्रीन ब्लू वाला, अच्छा ब्लू वाली जो चादर सी वो है, तरपाल लगी है वहाँ पे, खाना बन रहा है। ये देखो जूम इन करके दिखाती हूँ, खाना बन रहा है और नीचे वाले टेंट में वो खाना देंगे, और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। गाड़ियाँ पीछे ही हमने तो पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, लेकिन लोग यहाँ पे एम्बुलेंस में भी आ रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ है, यहीं उतर गए। अभी हम सबसे पहले फटाफट चलते हैं। कुरेन तो मुझे दिखे नहीं रही है, ओ वो है गाइस, वो है जिसके ऊपर लोग बैठे हैं, ये रही कुरेन जिसके ऊपर लोग बैठे हैं। Oh my god guys, wow,
मैं जा रही हूँ बुआ के घर ऑफ कोर्स। ये देखो इधर एक नंबर के निखिल, क्या छोड़ो इनसे मैं इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगी गाइस आपकी। मैं मजाक कर रही हूँ, ये मेरी बुआ के बेटे। अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर, मेरी मोस्ट फेवरेट बुआ। और धार की मिट्टी काली है, मैं दिखाती हूँ। हम लोग धार में भी काफी साल रहे हैं और जैसे कि यहाँ से हमारा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है मुझे ऐसे काली मिट्टी देख के, काली मिट्टी। और ये है बुआ का घर, बहुत पुराना घर है। वाओ, ये वॉशरूम था, अभी भी वॉशरूम नहीं है, हम ये यूज किया करते थे एक टाइम पे। और मजा आ गया, हाय शांत को देख के। और ये है यहाँ से व्यू, और ये है बुआजी का बरामदा, इतना बड़ा। हम लोग यहाँ रहा करते थे, मतलब मैं 25 साल पहले की बात करूँ ना, 25 साल पहले ये हमारा बेडरूम हुआ करता था। ये हमारा, ये नहीं मेरा था, ये वाला नहीं, ये दो कमरे थे ना हमारे पास, एक ये और एक ये। और मेरा बेडरूम ये हुआ, ये है बरामदा, सुंदर सा। वाह छोड़ दो, अब हमें भी मौका दो गले मिलने का। ठीक है तू बाजी, ठीक है ठीक है, ठीक है जी, बढ़िया ठीक है, बढ़िया जी, हाँ जी बढ़िया। यार कैमरा जस्टिफाइड नहीं, लूंगी लूंगी सब लूंगी। ये वाले साइड दरवाजा है, ओ दिखी जा रहा हूँ दरवाजा है ना, उसका ले लो बंदों का माता। एक बार में भूल मोदी गांस का बन जा, एक एक के दो, एक का तो सही नहीं, एक नहीं मिलेगा, दो क्या है।
गाइस हर का मंदिर इतना सुंदर है मैं बता नहीं सकती। मुझे याद नहीं मैं कब आई थी लास्ट टाइम, क्योंकि मेरे को लगता है मैं शायद 20 साल पहले आई थी। बट दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। और मेरे को बताना है कि सब कुछ हाथ से किया गया, हाथ की कारीगरी है, कुछ मशीन से नहीं। जगदम्बे माधेश्वर इमाम धारेश्वरी की जय हो। बस दान करने धन मिलेगा। खाने आया और यहाँ पे इतना ज्यादा रश है, आप देख सकते हो फुल क्राउडेड। ये ना 1 2 3 4 टेंट्स लगे खाने के लिए, मतलब एक टेंट में मुझे लगता है 800 से 1000 लोग आ रहे होंगे। काफी ज्यादा अच्छी अरेंजमेंट थी और यहाँ पे डीजे भी लगा है, तो हम अभी डीजे के पास जा रहे हैं। हेलो, पे चलना चाहती थी, अपनी पुरानी यादें ताजा करना चाहती थी। सुनो ये चप्पल पहले को लेके आऊं, है ना। बाय बाजी, बाय। तो मुझे बोलना था ये, अभी मैं ये लकड़ियां काट के खत्म हुई हूँ। घर पहुंचते ही इतनी सारी लकड़ियां मैंने काटी है और बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो चलो अपना आउटफिट चेंज करते हैं, बिकॉज अभी मैं शादी के लिए जा रही हूँ। सो यस, शांत ख़त्म होती है, बहुत मज़ा आया माता जी के दर्शन करके और शांत को इन्जॉय करके। 70 साल के बाद शांत होती है गाइज, सो इट्स अ बिग थिंग। और मुझे सौभाग्य सच में प्राप्त हुआ शांत देखने का माता जी का, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। आप देखोगे वीडियो में लड़कियों को भी माता आई थी उनको, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि माता जी इज सो हैप्पी कि उनको भी वो भी डांस कर रहे हैं। सो मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को सच में, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं इतने टाइम के बाद कुप्पू भी गई, वो सारी फीलिंग्स जो थी वो मेरी यू नो मैंने रिलीव की। आई वाज सो हैप्पी, एंड दैट इज़ इट फॉर द व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।